Hello, this is Jimmy Khan. And this is Fahim Azam. And you're watching Momana's Mixed Plate. Don't forget to subscribe and don't forget to hit the bell icon for notifications. Please. Hi guys, welcome back to Momana's Mixed Plate. And this is week two with the cast of Pare Hat Love. And in the studio with me today in Karachi are none other than the rock star Jimmy Khan and Fahim Azam. So let's welcome them on and talk all things Pare Hat Love. Hello. Hello. What's up, guys? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kya haal hai? Main aaj tak aapki lishan baat nahi spend kiya. Bahut achhi lag rahi hain aap. Thank you, ji. Wow, wow. Thank you. Aap to kam nahi lag rahe hain. Sir, wo to सब कहने की जरूरत नहीं है, कैमरा देख रहा है। अच्छा, मेरी कोई तारीफ नहीं कर रहा ना, बट नहीं, ठीक है सर, आप बीच में बैठे तो तरबूज का है सर। फाइनली आप स्ट्रीट फूड बना रहे तरबूज खाते हुए। तो कोई मिक्स प्लेट नहीं आपने देनी, कोई चाट शाट डाले इसमें, कोई आड़ू शाड़ू डाले इसमें, कोई कुछ केक भी रखा हुआ है, बिस्किट भी रखे हुए हैं। तरबूज पे बिस्किट निचोड़ के डालूंगा तो थोड़ा सा जरा किया था कि वो वाली एनर्जी दे दे जो तू ऑफ कैमरा देता है, ठीक है, बट वो जैसे ही कैमरा ऑन होता था तो वो एक बट ये आसिम का कैमरा है स्पेसिफिकली। देखो तुम्हारा कैमरा ठीक है यहाँ पे, वो आई थिंक सिर्फ कोई आसिम का कोई कैमरा है, उसका कोई चक्कर है। इसमें मेरा भी कमाल है। हाँ, वो भी है। ये भी। अब लाइक आई मीन दिस, यू वर माय फर्स्ट इंटरव्यू एवर। एवर, यस। एवर, यस। लिटरली। दैट वेंट रादर ओके, कूल। नो नो, नहीं नहीं, अच्छा था, बहुत अच्छा था। सो फहीम, यू आर आल्सो द एक्टिंग कोच। I was also the acting. सब लाल हो गए तरबूज की तरह। नहीं, वो मैं हूँ ही लाल। अच्छा, मैं ही लाल। ये नॉर्थ से है ना असल में। हाँ, मैं कश्मीर का सेब हूँ। जी। वैसे तो आसिम के होते हुए को खास जरूरत नहीं होती, because he has a very clear vision of what he wants from actors. तो he used to communicate it to me, और फिर हम बैठ के रिहर्सलें कर रहे होते थे। इनसे भी मेरी मुलाकात और काफी मुझे भी कोच करने की कोशिश की थी। कोशिश तो की थी, मगर वो क्या था जमीन पे जो आप रोली पोली करते हुए, अच्छा नहीं, वो नीचे से कुछ निकलने वाला सीन था, तो मैं इनके कमरे में सोफे पे बैठा हूँ और ये ना कालीन हटा के ही था मेरा ख्याल, नीचे से यूं करके बाहर निकलते थे। It was a lot of fun, I think. Were there any exercises that you adopt, like that you do with the cast? I would do breathing exercises, फिर I'd make them, फिर face की understanding is very essential. हमारी personalities की वजह से faces हमारे develop भी होते हैं, so हम जैसे होते हैं वैसा हमारा face बन जाता है। तो वो चीज, हाँ, कुछ चेहरे होते हैं ना जिनको देख के आप कहते हैं कि यार ये माय मदर सेड शक्ल ही मनहूस है। तो वो ना अंदर की एक नहुसत सी होती है, अंदर की एक होती है जो फिर फेस पे छलकती है। सो व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, तो वो उस चेहरे को बनाना और उस किरदार को अपने चेहरे पर लेकर आना इज समथिंग आई टू वर्क विद। एंड डू यू फील दैट, लाइक आई मीन, डिड यू डू एनी बेटर आफ्टर योर कोचिंग? अनफॉर्चुनेटली वही मैंने कहा, नाकाम थी वो कोशिश, बहुत नाकाम थी कोशिश। हमने बहुत की, बहावलपुर में हमारे पास दो हफ्ते थे जो ऑफ सुबह के वक्त। नहीं, बट दैट गोज अगेंस्ट मी ना। नहीं, ही डिड नहीं, भाई इन्हीं का कसूर है, इन्हीं का कसूर है। नहीं, आई थिंक वी विल बी वेरी हैप्पी टू सी हिम ऑन स्क्रीन, बिकॉज़ ही, यू नो, ही हैज गॉट अ कैरेक्टर ऑफ हिज ओन, यू नो, वो जब आते हैं ना, ही इज क्यूट आपको समझ भी नहीं आ रहा होता कि ये क्यूट क्यों है, लेकिन ये क्यूट है। वजह वो है ना, क्या वजह? नहीं बताए, वो तेरा और बताए। अच्छा जिमी, मैंने तुम्हें बचपन से नाचते देखा है, तुम्हारी मैंने डांसिंग स्किल्स देखी है, आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे इनको डांस करते देखना। क्या मतलब है? Forgotten by one legged dance? जिमी एक टांग उठाता है और एक टांग
मारता है बाइक ओह सो दैट शुड बी कॉल्ड दुलत्ती डांस हां सर वही है नाइस सो अच्छा मुझे बताओ कि डांस कैसे सीखे तुमने जिस दिन पहले अपने डांस के लिए पहुंचा तो उस दिन मैं अपना हाफ मैराथन इस्लामाबाद से भाग के पहला मतलब ट्रेल मैराथन था जो कि पेनफुल था मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और मेरी निगाह जी के साथ रिहर्सल थी इधर अब जाहिर है वो फिर थोड़ा सा मैं जरा मेरा ख्याल है लय से बाहर जा रहा था क्योंकि टांग ही नहीं उठ रही थी कोशिश में कर रहा था टांग नहीं उठ रही थी यू आर हाफ अ सेकंड लेट हां तो एज आई रिकवर्ड आई थिंक आई गॉट अ ग्रिप ऑफ माय डांसेस आई थिंक आई रियली एंजॉयड माय सेल्फ बाय द एंड ऑफ इट व्हेन वी वर ऑन सेट्स मुझे तो बहुत मजा आ रहा था सो योर कैरेक्टर व्हाट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू अबाउट इज फॉर पॉसिबली द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तानी सिनेमा वेयर a mind like the minority sect is being highlighted as well right like you have a couple from the Parsi community two questions for you on that one what was the most interesting thing that you a new thing that you discovered about the Parsi culture and secondly how receptive do you think our audiences are going to be towards this because you know how intolerant we as a nation are towards आप वो तो समझ ही नहीं सकते कि वो इंसान ही नहीं समझते कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है कि वो इंसान भी है सो इस तरह की एक एनवायरनमेंट में इट्स अमेजिंग दैट वी आर डूइंग इट बट हाउ रिसेप्टिव डू यू थिंक द ये तीन चीजें मैं एक-एक करके बात करता हूं आई डोंट थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम दैट अ माइनॉरिटी हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन द फिल्म्स आई थिंक पुरानी फिल्मों में भी यू वुड सी अ लॉट ऑफ Sikh community, Christians and Hindus. But the culture, the culture and it's even but, being promoted in that manner. Yeah, right? Or recently, like I think Mavish also played Parsi in Actor in Law. Yeah. But the culture, the presentation of the culture, the way, yes. जिस तरीके से परेहट लव में पारसी कल्चर को खुल के दिखाया गया है वो और जिस मोहब्बत से दिखाया गया वो उसकी कमी बहुत ज्यादा जिस ऑथेंटिसिटी से दिखाया गया है मतलब वी हैड पारसीज एक्टिंग फॉर अस एज वेल वी हैड देम अराउंड अस और इवन परफॉर्मेंस से पहले भी रेचल और मैं मतलब हमारी रेचल तो खैर बिल्कुल ही लाइक शी वुड कोच से दो कदम आगे मुझे उसका देसीपन बहुत अट्रैक्ट किया लाइक वो बिकॉज व्हेन दे स्पीक एंड द वे वी हैव सीन देम it seems very english sounded very english always but jab I mean to be honest for me it was I mean I had known about it I had a few Parsi friends in school also in Lahore as well but for me it was alien to be a part like this was you know like to see this happening in Pakistan because we never celebrate you know Navjot or like Nowroz or something exactly to wo matlab rangoli hai so it was a beautiful thing to see phir मुझे जो मजा आया वो नरोज को देख के और वो जो एक बिकॉज़ आई हैड ऑलरेडी सीन द स्क्रिप्ट तो आई हैड एन आईडिया ऑफ हाउ इट्स गोइंग टू लुक बट उसको एक्सपीरियंस करके इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वो देखने को मिला ना कि ये होता है वो ये होता है एंड देन द एक्सेप्टेंस इंक्रीजेस ये जो इंटॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं जितना हम इनके करीब रहेंगे जितना हम अपने से डिफरेंट लोगों के करीब रहेंगे उतना हमें समझ आएगी कि ये कितने हम जैसे हैं बेस्ट मोमेंट्स फॉर यू बोथ जिमी के तो आई कैन इमेजिन हिम मेरी तो याददाश्त का मसला है मैं जो मेरा बेस्ट मोमेंट है वो तो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता अच्छा के साथ कैमरे बंद होंगे तो मैं आपको लोगों को ना करे लेकिन द नॉन स्टॉप वो एक होता नहीं है हमारा सेट पे मौजूद रह के जिमी चाहे जिस कॉर्नर पे हो और मैं जिस कॉर्नर पे हूँ एंड देन अगेन रेचल एंड परिशे वर आल्सो पार्ट ऑफ द गैंग वेयर मतलब हमारा टोटल फोकस ये होता है कि यहाँ पे शुगल कैसे करना है मतलब किसी किस्म की सीरियस बात अगर होने भी लगे तो उसको अवॉइड किस तरह करना है और मास्टर ऑफ दिस एंड द पन गेम वाज स्ट्रांग सो रेचल इज वेरी वेरी गुड विद पन्स देन वी हैड पीपल लाइक जिमी एंड प्रीशे अप्रिशिएटिव ऑफ अच्छा कोई जरा पन तो जरा दे दें थोड़ा सा यही पे देखें आप ना ये जो बिस्किट है जी
इसको मुंह में ना डालें, ना डालें। अर्ज किया है, अर्ज किया है। इरशाद। सो दिस आई मीन द लव फॉर सच ह्यूमर अराउंड अस एंड द हेट्रेड फॉर सच ह्यूमर अराउंड अस एज वेल, इट वाज अ मिक्स ऑफ यू नो, वो एक उसमें क्या होता था, वो पटाखे बज रहे होते थे कि सम वुड जस्ट absolutely hate it and some just absolutely love it. Yeah. So that time, I think overall the you know total ek exhausting at times. Exhausting because you're seeking for a joke, you know. Yeah. All the time aap khade and you're thinking ki acha ab main kya aisa kahun ki main sabko jaake let me reverse this. Let's say aap isko internalize karta ho. Yeah. Acha, so Jimmy, I heard ki ye प्लेबैक का मतलब जो कि मेरी कॉम्पोजिशन नहीं थी उस तरह और प्लेबैक किया, तो आई थिंक फॉर मी ऑल्सो इट वॉज लाइक ओपनिंग अनदर डोर. ये भी किया और आई थिंक ऑल क्रेडिट टू आसिम पुशिंग मी इन दैट वोकल बूथ टू डिलीवर दैट. नहीं, हाय दिल इज वाज द फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. इट्स टर्न आउट फैंटास्टिक, लाइक आई एम रियली एंजॉयिंग इट. आई हैव बीन गेटिंग रियली गुड रिस्पांस. और हम तो जितना नाचे हैं उस पे और रिहर्सलों में. हां, लेट्स सी कौन बेटर टीचर है. मैं इसी तरह उनको सिखाने लगा हूँ जिस तरह इन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई. ठीक है, मतलब मैं ना ही समझा. सिंगल का वारा है दिल मेरा, है दिल मेरा. कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के. आशिक आवारा है मन चला, आशिक आवारा है मन चला. रखा था जो निगाहों से बचा के, रखा था जो निगाहों से बचा के. दिल सीधा साधा है मुश्किल इरादा है. हे ओ पर ये निराला है, धड़कन पे ताला है. हे ओ बेचारा यारा तेरे उते हारा, फिरे पीछे मारा मारा मैं बचना दोबारा. इस तरह का नजारा लगे जब दा इशारा वे. ओह माय गॉड, इतना ऊपर में और मैंने पकड़ भी लिया. दोस्त मतलब थैंक यू. बैठे 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 बैठे. नहीं 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 नहीं, ज्यादा नहीं. बैठे, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ. टेंशन नहीं लेनी. अब मैं आपका काम देखूंगी फिल्म की प्रमोशन. ना 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 ना, क्या मतलब है मुझको ऐसी. और बड़े एक्टर हैं फिल्म में देखने के लिए. नहीं नहीं, जस्ट जोकिंग. आई लव दिस वर्क ऑन स्क्रीन, नो डाउट. आई हैव गोना बी देयर टू सपोर्ट. ओह या, ओह या, यू बेटर बी, यू बेटर बी. देयर बी, you know, lots of love for lots of people on this film. Yeah. But anyways, I wish you guys all the best for Pare Hat Love. Guys, Pare Hat Love is releasing on Eid al-Adha. You guys stay tuned for next week when Fareeha Altaf and Parisha Jiggins will be coming in and talking all things Pare Hat Love. I hope you guys enjoyed the segment. I want to take a moment to thank Jimmy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Lovely. On the show, it was a pleasure having you both. Same. And all the best for the film. Thank you. And you guys don't forget to subscribe to the channel. Hit the notification bell so you can be part of the Moment Has Mixed Plate family. And I'll see you next time. Take care. I'm so happy to have you in Karachi. I know. Lux Style Awards, a new film coming out. Like, you are like super freaking woman. Thank you. Like, right before we were going on, she had like two phones out and she was like, I told Parisha and I said that, you know, I'm going to take her phone away. And she had zoned me out and zoned everybody out. She said, it's true.